नमस्कार दोस्तों, इस समय है मालती चौहान के घर पे और इनके घर पे आए हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा घटना घटा है मालती चौहान के साथ। और इनके साथ क्या हुआ है आज पूरा विस्तार रूप से जानेंगे और इनके घर के लोगों से। मैम ये बताइए, जो मालती चौहान थी उनके साथ इतना बड़ा घटना घट गया, क्या आप लोग इतना दिन से जो झगड़ा चल रहा था इसके बीच में आप लोग कभी ऐसा नहीं लगा कि जाके झगड़ा सुलझा लें? बिल्कुल भैया, हमेशा सुलझाने का ये काम लोग करते थे, हम लोग भी करते थे। जी पर वो मायके में रही, उसके बाद में अपने बहन की यहाँ थी, तो और फोन से बहुत सुलझाया गया। जी पर हम लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, कि 2 दिन 4 दिन गुस्सा है फिर ये लोग एक हो जाएंगे, बस यही लगता था। अच्छा, ये बराबर जो मालती चौहान का और विष्णुराज का जो झगड़ा होता आ रहा है बहुत पहले से, जब से शादी हुआ उसके कुछ दिन बादों से इनका झगड़ा होते आ रहा है, जी लेकिन शॉर्ट आउट हो जाता था, इस बार इतना बड़ा मामला कैसे हो गया? बात क्यों बढ़ गया इतना? अब इतना बड़ा बात बढ़ गया भैया, इसमें तिसरवा आने के वजह से, जी न तिसरवा आता और न इतना बड़ा बात बढ़ता। अच्छा, इसमें तीसरा कौन है? अब ये सब नहीं जानिए, अब ज्यादा जी ज्यादा बात नहीं बोलिए, करेंगे। आप बताइए। ये सब बात इनके, आप सबसे पहले अपना परिचय दी मैं परिचय गायक दीजिए। करमचंद जाति बोल रहा हूँ, जी और जो भी इंटरव्यू लेना है, इनके पिताजी अभी गए हैं खलीलाबाद पे, हम लोग भी जैसे आप आए वैसे मिलने आए थे। बाबू से हम लोग को बहुत प्यारा लगाव था और हम लोग को शौक है जो है कि आज इस दुनिया मालती जी नहीं रहे, इसके लिए बहुत कष्ट है और प्रशासन से हम यही गुहार करेंगे, जो भी इनके दोषी उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक, अच्छा ये बताइए, अभी विष्णु राज का जो बेटा है युवराज, हाँ युवराज अभी नाबालिग है, कुछ नहीं मतलब समझ रहा है, कल को वो आप लोग उनको नहीं देना चाहिएगा, मतलब मना करिएगा कि नहीं हम नहीं देंगे विष्णु राज को? तो किसी के कहने से कोई रोक नहीं पाएगा, जिस दिन विष्णुराज छूटेंगे या जिस दिन उनको सजा हो जाएगी या नहीं होगी, जो भी होगा वो प्रशासन का काम है, और बेटा बड़ा होगा अपने आप अपनी जायदाद तो खुद खोज लेगा। खुद खोज लेंगे। जी अच्छा, अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि अभी जो युवराज है उनका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई ये सब का जो युवराज अभी का भरण कैसे रह रहा है? पोषण भराई ये सब उनके नाना जी कर रहे हैं, उनके मामा जी कर रहे हैं, उनकी मौसी कर रहे हैं, पूरा देखभाल उनका, पूरा उनके उनका ननिहाल का पूरा परिवार देख रहा है। अच्छा अच्छा ये बताइए, जो युवराज है रात में वो किस प्रकार के हरकत कर रहे हैं? अब उनके नाना उनके मौसी बताएंगे भैया, हम जहाँ तक जानते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, कि रात को रोता है, माँ को खोजता है, दूध मांगता है पीने के, तो निपुल के दूध पिलाया जाता है, जहाँ तक मुझे पता है तो नहीं पीता। उनकी मामी जी जो हैं, मालती की भाभी जी, वो अपनी दूध पिलाती हैं, तब जाके सो जाता है। अच्छा, क्या बोल रहे बहुत हैं आप? ज़्यादा नहीं बोलना है, देखिए इनके घर वाले से आप बैठ लीजिएगा, और बहुत दुखद घटना है, बस इतना आप जान लीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके घटना के पीछे किसका हाथ हो बहुत सकता है? ये साजिश से प्रताड़ित किया गया है जी शांति जी को। अगर ये मीडिया वाले, न्यूज़ वाले, यूट्यूबर वाले, ब्लॉक वाले, सिंगर लोग अगर इनको प्रताड़ित न करते मानसिक रूप, तो मालती जी एक बहुत बहादुर शेर महिला थी, जी मैं जानता हूँ, जहाँ तक बहुत अच्छी थी, हम लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार था, ऐसा वो कभी नहीं होता, उनसे मानसिक रूप तो लोग प्रताड़ित बहुत कर रहे तो थे। वो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मीडिया वाले ने मालती चौहान को इतना लोग प्रताड़ित किया बहुत है? वीडियो बना रहे, जैसे आप आए हैं वीडियो बनाने के लिए, जी ऐसे लोग यहाँ वीडियो बनाते थे, फिर उसके बाद उनके घर जाते थे, उसके बाद उनकी उनके बात घर उनसे जाते, कहते थे, उनकी उनका बात उनसे बोलते थे, इनकी बात जाके उनसे ऐसे बोलते थे, ऐसे ऐसे लगाते थे, मालती लड़ते थे। चौहान एक गरीब घर से बिलोंग करती थी, बिल्कुल गरीब घर से बिलोंग करने के बावजूद भी इतना अपना नाम बनाया है देश बिल्कुल दुनिया में, बिल्कुल लोग आज भी उनका नाम कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, बिल्कुल। इसके पीछे इतना बड़ा जो षड्यंत्र रचा गया, इसमें क्या लगता है आपको? इसमें हमको भैया डायरेक्टली मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती हूँ, जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाता है, ये मालती के पापा ही जी बता सकते हैं। जी अच्छा, कुछ सवाल ये भी आ रहा है, जैसे गोरखपुरिया भौजी द्वारा जो उन लोगों का नाम जी हम नहीं 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 बोल, जो एक सवाल है, वो काफी जी लोगों का बोलिए मन में बोलिए। डाउट है, गोरखपुरिया भौजी जो मालती चौहान के वीडियो से इतना पैसा कमाई है, क्या गोरखपुरिया भाभी वीडियो में बोली है कि हम जितना कमाए हैं सारी पैसा हम मालती चौहान को देंगे, और मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है तो उनके बेटे युवराज के लिए ये सारे पैसा देंगे, उसके खर्च, पढ़ाई लिखाई का सब इसमें होगा, तो आप भैया लोगों को कोई जब सूचना मिला है उसके बारे में? जी जब बोली हैं, मैंने जी तो अभी वीडियो नहीं देखा ये वाला, और जी जब वो बोली हैं तो वो बिल्कुल देंगे, देंगे, बात खत्म। क्योंकि वीडियो में बोलने के जी बाद तो हम वीडियो बनाते हैं कुछ चीज़ बोल के, जी तो उसमें बहुत सोच समझ के बनाते हैं, जब वो बोली हैं तो देंगी लेकिन जरूर। वीडियो में फेंक भी रहता है, देखिए क्या फेंक भी रहता नहीं, है, आप जैसे मैं गोरखपुरिया बता रहा भाभी हूँ, पे इतना आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों का खुल खुल के सपोर्ट कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप तो उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं ना? हम लोग तो पीड़ित परिवार के साथ हैं, जी क्योंकि पीड़ित परिवार इसमें बहुत बहुत दिक्कत
दिक्कत में है, ठीक है। और कौन क्या वीडियो बना रहा है ज्यादा हमको मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत लोग फेक वीडियो बना रहे हैं। अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं तो ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पीएम रिपोर्ट है किनके पास है, पुलिस प्रशासन के पास? अरे, आपको खुद मालूम होना चाहिए, आप एक पत्रकार हैं। पीएम रिपोर्ट जो है प्रशासन के पास जाएगी, थाने पे जाएगी, थाने पे जाएगी, और वो हाईकोर्ट जब वकील जो देखा वो देखेगा, ना कि कोई आम जनता देखी। आम जनता सिर्फ जो भी बता रही है वो सब झूठ है, जो बताएंगे हाईकोर्ट का कॉल वकील बताएगा, प्रशासन बताएगा, इनके घर वाले बताएंगे। तो कब तक पब्लिक के सामने कब तक आ जाएगा मतलब? वो प्रशासन बताएगा, प्रशासन बताएगा। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। इनका युवराज की मौसी है जो कि उस दिन काफी परेशान थी। आइए, दो मिनट आइए कैमरे के सामने भागी, ठीक है, ज्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। युवराज की मौसी है, इनसे जानेंगे कि युवराज क्या। नहीं नहीं, इनसे आप दो मिनट, आप युवराज के बारे में कौन, इनका कौन पिताजी कौन? आज आज चल चालू है उनका, युवराज का कौन मौसा है ना? हाँ, कौन है? भाई है। चलिए इधर चालू है। चलिए, यहाँ पे मालती चौहान की भाई भी है, इनसे भी कुछ जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम हुआ आपका? नीरव। नीरव, अच्छा ये बताइए, अभी किस प्रकार से आपका जो भगिना है युवराज है वो किस प्रकार से रह रहा है? दिन में अच्छा रहता, रात को रोता भी है। अच्छा, मम्मी का उनका याद आता है उनको? अब उसी को पता चलेगा, हम कहाँ से। अभी घर में रह रहे हैं तो कुछ तो पता होगा ना कि मम्मी कैसी हरकत कर रही है, पापा को याद कर रहे हैं या मम्मी को ये खोज रहे हैं, किसको खोज रहे हैं? अब रोता है रात में, अब हमको थोड़ी ना पता उसका मन का बात, हम थोड़ी ना जानेंगे मम्मी को याद कर रहा है कि पापा को याद। अच्छा, कर रहा है। अच्छा ये बताइए, आप दोबारा जब आपकी दीदी इस दुनिया में नहीं है उसके बाद से दोबारा गए कि नहीं उनके घर पे, युवराज के घर पे? नहीं नहीं, कोई सूचना अभी वहाँ से नहीं मिल रहा है? नहीं। अच्छा, आप लोगों के पुलिस के द्वारा क्या अभी मतलब पुलिस आ रही है आपके दरवाजे पे अभी? अभी नहीं, पूछताछ के लिए। क्या आप लोगों से पुलिस पूछताछ किया है, नहीं किया कोई सवाल के लेकर? नहीं अभी। आपके पिताजी से गए हैं? पिताजी आपके कहाँ हैं? गए हैं। पुलिस के साथ गए हैं? कब से गए हैं? दोपहर को गए थे। आज दोपहर को गए हैं। अच्छा, तो चलिए ये था रिपोर्ट था, अभी थे हम गोरखपुरिया यहाँ मालती चौहान के यहाँ पे घर पे। जो भी रिपोर्ट था, रिपोर्ट था घर का, जो लाइव था, जो सच्चाई था, वो हमने दिखाने का प्रयास किया है। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं मालती चौहान के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए।